हमें डिसअपॉइंटेड लग रहे हैं, ऑल्दो कि पीएसएल का फाइनल जो है सुपर ओवर में आपने जितवाया, एलपीएल में भी आपने अच्छी बॉलिंग करते हुए नजर आए, रिदम में नजर आए, कंट्रोल नजर आया, उसके बावजूद डिसअपॉइंटमेंट लग रही है, ऐसा लग रहा है कि शायद क्रिकेट से दूर जा रहे हो। नहीं, क्रिकेट से मैं दूर नहीं जा रहा, आई डोंट थिंक करने की कोशिश की जा रही है। और अगर आपने देखा हो जिस तरह का माहौल बन चुका है और फिर जिस तरह मुझे साइडलाइन किया गया, जब मुझे वहाँ पे वेकअप कॉल मिल गई थी टू बी ऑनेस्ट, जब मैं 35 लड़कों में नहीं आया, अगर मैं 35 लड़कों के प्लान में नहीं आता तो इट मीन्स कि मेरे लिए एक वेकअप कॉल है कि मैं अपना फ्यूचर प्लान जो है वो देखूँ कि मैंने कैसे अपने क्रिकेट को कैरी ऑन करना है। तो क्या कैरी ऑन करना, मतलब क्या फ्यूचर प्लान? टू बी ऑनेस्ट, जिस तरह का माहौल बन चुका हुआ है और मुझे नहीं लगता कि मैं अब इस मैनेजमेंट के जो अंडर मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ, और जहाँ तक मुझे लगता है कि मैं जो है वो क्रिकेट छोड़ रहा हूँ इस टाइम, क्योंकि जो मुझे मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है, मैं आई डोंट थिंक सो कि मैं आप इतना मैं टॉर्चर बर्दाश्त कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने 2010 से 2015 तक बहुत टॉर्चर देखा, तो जो मैं क्रिकेट से दूर रहा, जो भी वो हुआ था एक वाकया, उसकी मैंने सज़ा भी काटी, सारा कुछ हुआ, और फिर लोग बड़ा मुझे ये बार बार टॉर्चर किया जा रहा है कि जी पीसीबी ने बड़ा इन्वेस्ट किया, पीसीबी ने बड़ा इन्वेस्ट किया। देखिए, पीसीबी के दो बंदों ने, मैं आज भी क्रेडिट देता हूँ उनको, जिन लोगों ने मेरे पे इन्वेस्ट, एक तो 5 साल की मैं सज़ा काट के आया, कुछ साल बाद मैं क्रिकेट में आया नहीं, दूसरा एक मोहम्मद आमिर के साथ हमने नहीं खेला, ये वो उन दोनों का मैं हमेशा से शुक्रिया अदा करूँगा क्योंकि उन्होंने उस टाइम मुझे टफ टाइम पर सपोर्ट किया था। बाकी अभी जो रिसेंटली आपने देखा जो माहौल क्रिएट किया गया कि हर बात पे टाउन, मैं मतलब मैंने अपना पर्सनल डिसीजन लिया, उसको लोगों के सामने इस तरह गलत पेश किया गया कि पता नहीं मैं मुल्क से नहीं खेलना चाहता। मुल्क से कौन नहीं खेलना चाहता भाई, मुल्क से कौन नहीं खेला। मैं अगर उन्होंने इस तरह मेरे उस पर्सनल डिसीजन को लीगों के साथ अटैच किया, मेरा तो कमबैक ही लीग से हुआ था। अगर आपको याद हो, मैं बीपीएल से मैंने स्टार्ट किया था और उस टाइम तो मेरे पास बेस्ट टाइम था, अगर मैं लीगों के लिए मर रहा था, मैं कहता जी भाई मैं अब जो है पाकिस्तान के लिए नहीं खेल सकता, मैं अपना इधर खेल रहा हूँ, मुझे इन्जॉय करने का। मैं तो ये था कि मैंने यार मैं वाइट बॉल में जितना भी इन्वेस्ट कर सकता हूँ पाकिस्तान के लिए, मैं अपना बेस्ट दे सकता हूँ, मैं दूँ। लेकिन हर एक महीने के बाद, दो महीने के बाद, कभी आपके बॉलिंग कोच कहते हैं जी वो डिच कर गया हमें, कभी कहते हैं जी उसका वर्कलोड नहीं था, कभी मुझे 35 लड़कों के प्लान में नहीं रखा जाता। तो इसका मतलब है मुझे अंदर खाने में तो मुझे वेकअप कॉल दी उन्होंने कि भाई साहब आप हमारे फ्यूचर प्लान में नहीं हो, आप साइड पे हो गए। तो वो सोच के तो मैंने ये किया। तो बाकी वो जो भी होगा, मैं एक दो दिन में अभी मैं पाकिस्तान पहुँचाऊँगा, फैमिली से जाके मिलूँगा, तो प्रॉपर आपको स्टेटमेंट के साथ आपको बता दूँगा कि इसका एक्चुअल रीज़न और क्या हो सकता है। तो क्या आप एहतजाजन रिटायरमेंट ले रहे हैं फिलहाल? जी और... मुझे नहीं लगता कि मैं अब इस जिस तरह का माहौल बन चुका, मैं इस अंडर एक दो दिन बाद जो फैमिली से आप डिस्कस करके फिर सबके नाम बताएंगे कौम को कि कौन आपके साथ क्या ज्यादती कर रहा है। ज्यादती तो सबको नज़र आ रही है टू बी ऑनेस्ट, लेकिन यह है कि प्रॉपर क्योंकि जिन्होंने मुझे क्रिकेट में लेके आए, जिन्होंने मेरा साथ दिया, उनका भी मैं हमेशा से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, प्रॉपर एक स्टेटमेंट जो है मीडिया रिलीज़ कर दूँगा। तो बकारी नज़र मिसबाह देखिए, ये मैं स्टेटमेंट में बता दूँगा सबको। थैंक यू।